तो क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का? बढ़िया। अभी अभी भाई विक्रम फिल्म का ट्रेलर को रिलीज किया गया है। ये फिल्म के ट्रेलर पर नजर डालने से पहले मैं तुम लोग एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। आज ना मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना था, वहां से बहुत सारे काम करने थे और आज मैं थोड़ा यही सब चीज में बिजी रहा। फिर मैंने जब भी अपने रूम पे आया, आके मैं सो गया। और तुम लोगों को पता ही है कि मैं और मेरे छोटे भाई दोनों एक साथ रहते हैं। तो यहाँ मैंने अपने छोटे भाई को बोल दिया था कि बाबू विक्रम फिल्म का एक ट्रेलर आ रहा है। फिल्म में अपने कमल हसन सर है, उसको पता था ऑलरेडी सारे स्टार कास्ट। वो बोला कि हाँ भैया मुझे पता है, फहद फासिल भी है, कमल हसन सर भी है और विजय सेतुपति सर है यार। मैं बोला कि अरे भाई वाह क्या बात है, तुमको तो सब पता है। तो मैं बोला था कि जब इसका ट्रेलर आएगा ना मुझे जगा देना, और इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको जरा ध्यान में रखना, अगर ट्रेलर अच्छा होगा ना तभी जगाना। बट अभी थोड़ी देर पहले ट्रेलर आया, मेरा छोटा वाला भाई से बोल रहा है कि भैया 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 आ गया। मैं उसे पूछा कि कौन आ गया, वो बोल रहा भैया विक्रम फिल्म का ट्रेलर आ गया। मैं उसे बोला कि भाई अगर अच्छा होगा ट्रेलर तभी बताने यार। वो पता है क्या बोल रहा है, भैया एकदम बवाल ट्रेलर है। तो उस टाइम मुझे लगा शायद ये मुझे जगाने के लिए ना ये सब चीजें कर रहा है। उसके बाद उसके हाथ से मैंने फोन ले लिया, अपने से मैंने देखा, होता है ना थोड़ा नींद में देखना। उसको देखने के बाद थोड़ा सा ज्यादा मेरा आंख खोला, उसके बाद मैंने बैठ गया, उसको दोबारा देखा, तिबारा देखा, चौबारा देखा। और अभी तक वीडियो बनाने से पहले तक ना मैं इस फिल्म का ट्रेलर को ना 8 से 10 बार देख चुका। इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरीका से कटिंग किया गया है ना भाई, सच में एकदम माहौल बना देता है। और जिस तरीका से भाई फायरिंग की जाती है, ओ हो, जिस तरीका से भाई इसे शूट किया गया, ऐसा लग रहा है इस फिल्म को जो डायरेक्टर है लोकेश करंगराज सर, वो इस फिल्म को भाई ज्यादा टाइम रात में शूट किए हैं। एक चीज और यहाँ तुम लोग को बता देना चाहता हूँ ट्रेलर पे बात करने से पहले यार, ये जो डायरेक्टर है ना लोकेश करंगराज, ये डायरेक्टर एक कंटेंट किंग वाले डायरेक्टर। अगर तुम इनकी फिल्म को देखते हो ना भाई, इनकी फिल्म प्रॉपर एंगेजिंग थ्रिलिंग होती है। इनका पिछला फिल्म था क्या थी, जाकर तुम लोग देख सकते हो। उस फिल्म में जिस तरीका से इनका डायरेक्शन था वो भी भाई काबिले तारीफ। और वही चीज भाई इस फिल्म का ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। एक तो जिस तरीका से कमल हसन सर के जो पीछे से जो वॉइस रहती है, वो जैसा पूरे सीन को भाई डिस्क्राइब करते हैं, और भी जैसे इस फिल्म के ट्रेलर में जो एक्सेंट डाले गए काफी अच्छा लगता है। पीछे की जो बीजीएम है वो भी काफी ऑसम लगती है। और एक जगह कमल हसन सर मशीन गन जो चलाते हैं ना भाई, वहां तो वो केजीएफ का याद है। बट फिर भी भाई ट्रेलर देख के लग रहा है ये फिल्म में कुछ ना कुछ दम होने वाला है, क्योंकि भाई जहां अपने कमल हसन सर हो, विजय सेतुपति सर हो, अपने फहद फासिल सर हो, ये लोग इंडिया के ना इंडिया के भाई टॉप एक्टर्स हैं। एक चीज यहाँ मैं तुमसे क्लियर कर देना चाहता हूँ यार, ये फिल्म में दम हो या ना दम हो अलग की बात है यार, लेकिन ये जो तीनों एक्टर है ना भाई अपनी एक्टिंग से ना भाई सबका दिल जीत लेंगे जब ये फिल्म आएगा तो। बट मुद्दे की बात ये है, इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश करंगराज सर, जहां लोकेश करंगराज आ जाते हैं भाई, वहां कुछ ना कुछ यूनिक चीजें तुम्हें देखने को 110% मिलता है। और सोने पर सुहागा, लोकेश करंगराज सर के पास तीन बड़े स्टार है यार, तो समझ रहे हो भाई वो किस तरीका से इन लोगों को यूटिलाइज किए होंगे। बहुत माहौल बनाने वाला है फिल्म जब ये फिल्म रिलीज होगा यार। तो यहाँ जो भी लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देख लियो, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम लोगों को ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।